गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग चैप्टर एट का लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा। इस लेक्चर के अंदर हम लोग चुंबक से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं समझेंगे, उसके बाद चुंबकीय बल रेखाओं के गुणधर्म क्या होते हैं वो समझेंगे, वह कुछ आगे के टॉपिक हैं उसको हम लोग यहाँ एक्सप्लेन करने वाले हैं। इस टॉपिक के जो पीडीएफ नोट्स हैं वो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर अभी आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आइए अपने टॉपिक पे आते हैं बेटा। सबसे पहले हमें पढ़ना क्या है, आज हम लोग बेटा पढ़ रहे हैं चुंबक से संबंधित कुछ परिभाषाएं। मैंने यहाँ पे ये 5 परिभाषाओं के नाम लिख रखे हैं जो मुझे एक्सप्लेन करनी है। तो अब जो पहला पॉइंट मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं वो है बेटा चुंबकीय ध्रुव तथा चुंबकीय अक्ष क्या होते हैं। तो देखिए चुंबकीय ध्रुव की परिभाषा क्या दी गई है आपके पास। मान लीजिए बेटा ये एक छड़ चुंबक है, ये छड़ चुंबक है, तो ये इसका एक उत्तरी ध्रुव रहा होगा, एक क्या रहा होगा दक्षिणी ध्रुव। आप सबको ये चीज पता है कि यदि इस छड़ चुंबक के ऊपर से मैं बुरादा, लोहे का बुरादा अगर इस प्रकार से बिखेरूं तो जो लोहे का बुरादा होगा वो यहाँ किनारों पर ज्यादा चिपकेगा और बीच में कम चिपकेगा। इसका मतलब यह है कि इन किनारों पर आकर्षण का गुण अधिक है। आकर्षण का गुण क्या है बेटा, अधिक है। तो किसी भी चुंबक के वो दो किनारे, किसी भी चुंबक के वो दो किनारे जहां उसके आकर्षण का गुण सर्वाधिक होता है, ये दो किनारे क्या कहलाते हैं बेटा, चुंबकीय ध्रुव कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, चुंबकीय ध्रुव। ये चुंबकीय ध्रुव दो होंगे, एक होगा उत्तरी ध्रुव, एक होगा दक्षिणी ध्रुव। अब उसके बाद पढ़ना होता है बेटा हमें चुंबकीय अक्ष क्या होता है। तो ध्यान दें, ये जो आपने चुंबकीय ध्रुव बनवाए सर, ये चुंबकीय ध्रुव ऐसे हैं, ये उत्तरी और ये क्या है बेटा दक्षिणी। इन चुंबकीय ध्रुवों से गुजरने वाली एक काल्पनिक अक्ष, ये अक्ष उत्तरी ध्रुव से भी गुजर रहा है और दक्षिणी ध्रुव से भी गुजर रहा है, तो ये काल्पनिक अक्ष क्या कहलाता है बेटा, चुंबकीय अक्ष कहलाता है। तो यहां से हमने दो परिभाषा लिखी, एक लिखी चुंबकीय ध्रुव की और दूसरी है बेटा चुंबकीय अक्ष की। चुंबकीय ध्रुव का मतलब क्या है, चुंबक के वो किनारे जहां पर आकर्षण का गुण सर्वाधिक होता है चुंबकीय ध्रुव कहलाते हैं। कितने होंगे, दो, उत्तरी ध्रुव व दक्षिणी ध्रुव। उसके बाद बात करूं चुंबकीय अक्ष क्या होता है, ध्रुवों से गुजरने वाला काल्पनिक अक्ष क्या कहलाता है बेटा, चुंबकीय अक्ष कहलाता है। आई होप यहां तक की बात आपको समझ में आई होगी। उसके बाद देखिए अगला, पहली परिभाषा हो गई पूरी, अब है आपके पास चुंबक की प्रभावी लंबाई। देखिए बेटा जैसे हम बात करते हैं ये चुंबक है, क्या है चुंबक। अब इस चुंबक के जो ध्रुव होते हैं वो किनारों पे होंगे। अब किनारे का मतलब यहां पे नहीं होगा, वो चुंबकीय ध्रुव किनारे से थोड़ा अंदर होगा, मतलब कि इस बिंदु पे होगा, तो ये बिंदु बन जाएगा उसका उत्तरी ध्रुव। ऐसे ही जो दक्षिणी ध्रुव है वो यहां नहीं होगा, कुछ अंदर होगा, तो ये बन गया दक्षिणी ध्रुव। अब आपको ये पता है कि ये ध्रुव जो है ये पूरे इस किनारे पे नहीं है, थोड़े क्या है बेटा अंदर है, तो उत्तरी ध्रुव व दक्षिणी ध्रुव के मध्य की जो लंबाई है, क्या बोल रहा हूं, उत्तरी ध्रुव व दक्षिणी ध्रुव के मध्य की जो लंबाई है वह लंबाई कहलाती है बेटा आपके पास चुंबक की प्रभावी लंबाई। क्या कहलाती है बेटा, चुंबक की प्रभावी लंबाई। और ये लंबाई हम कितनी लेते हैं बेटा, 2L, हम कितनी लेते हैं 2L, अर्थात उत्तरी ध्रुव व दक्षिणी ध्रुव के मध्य की लंबाई 2L होगी। एक चीज और, चुंबक की जो संपूर्ण लंबाई है, देखो इस किनारे से लेकर इस किनारे तक, ये लंबाई कहलाती है बेटा ज्यामितीय लंबाई। कौन सी लंबाई, ज्यामितीय लंबाई। अब ये जो ज्यामितीय लंबाई है ये बड़ी होगी और प्रभावी लंबाई क्या होगी, छोटी। तो आपके पास इस प्रभावी लंबाई और ज्यामितीय लंबाई के मध्य एक संबंध है,
वो संबंध क्या है कि किसी भी चुंबक की जो प्रभावी लंबाई होती है, क्या होती है बेटा, प्रभावी लंबाई जो होती है वो उसकी ज्यामितीय लंबाई के 5/6 भाग होती है। केवल कितना भाग होती है बेटा, 5/6। अर्थात अगर इसके 6 टुकड़े करोगे तो 1/6 टुकड़ा कम होगा प्रभावी लंबाई किससे बेटा, इसकी ज्यामितीय लंबाई से। तो चुंबक की प्रभावी लंबाई क्या होती है, जो चुंबक के ध्रुव होते हैं वो किनारों पे ना होके कुछ अंदर होते हैं, और इन ध्रुवों के मध्य की लंबाई को क्या बोलते हैं बेटा, चुंबक की प्रभावी लंबाई। अगली जो परिभाषा हमें समझनी है वह है चुंबक के याम्योत्तर, और इस पे थोड़ा ध्यान देना क्योंकि आगे भी ये परिभाषा फिर से रिपीट होने वाली है। तो चुंबकीय याम्योत्तर क्या होता है, ध्यान दो, याम्योत्तर का मतलब है एक तल। याम्योत्तर का मतलब क्या है बेटा, एक तल। हमने एक चुंबक ली, क्या ली, एक चुंबक। तो ये चुंबक है, ये उत्तरी ध्रुव और ये दक्षिणी ध्रुव, और इस चुंबक को हमने क्या किया बेटा, फ्रीली लटका दिया। मान लीजिए यहां से बीच से मैंने इसको बांधा और यहां पे ये फ्रीली लटका दिया। लटकाने के बाद ये चुंबक की ये जो छड़ है वो इस दिशा में आकर ठहर जाती है। मेरा कहने का मतलब है, ऐसा मानो बेटा कि ये आपके पास एक छड़ चुंबक है, तो ये आपका बनेगा उत्तरी ध्रुव और ये बना दक्षिणी ध्रुव। तो आपके पास ये दोनों चुंबक है। अब ये जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव है इसको आपने बीच से बांधा और ये लटका दिया। लटकाने के बाद ये एक दिशा में आके ठहरेगा। मान लीजिए इस दिशा में आके ठहरा तो हम बोलेंगे कि इस उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव से जो गुजरने वाली रेखा है वो रेखा क्या कहलाती है बेटा, मुख्य अक्ष। तो हमने बोल दिया ये जो रेखा है ये तो है मुख्य अक्ष। अब ये जो मुख्य अक्ष आपको दिखाई दे रहा है इस पे एक लंबवत तल बनाओ। जैसे मेरा हाथ जो है वो किसका काम कर रहा है बेटा, लंबवत तल। या ऐसा करो बेटा कोई पेपर इससे पास कर लेते हैं, ये पेपर इस तल से ऐसे पास होगा लंबवत। तो ये जो तल है ये तल क्या कहलाता है बेटा, चुंबकीय याम्योत्तर कहलाता है। अर्थात अगर हम बात करें तो यहां से एक तल ऐसे गुजरेगा, ये तल मैंने गुजारा इस प्रकार से। तो ये जो तल है ये तल पी क्यू आर एस, ये तल क्या कहलाता है बेटा, चुंबकीय याम्योत्तर। अब चुंबकीय याम्योत्तर क्या होता है ये आप समझ चुके हैं कि किसी भी छड़ चुंबक को जब स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया जाता है तो उसके चुंबकीय अक्ष के लंबवत गुजरने वाला काल्पनिक तल क्या कहलाता है, चुंबकीय याम्योत्तर कहलाता है। चौथी परिभाषा जो हम पढ़ रहे हैं बेटा वो है ध्रुव प्रबलता। अब ध्रुव प्रबलता क्या होती है, ध्यान दें यहां। मान लीजिए आपके पास ये एक छड़ चुंबक है, ये उत्तरी ध्रुव है और ये क्या है बेटा, दक्षिणी ध्रुव आपके पास है। अब इस उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पे आकर्षण का गुण क्या होगा, सबसे ज्यादा। तो इनके ये जो आकर्षण की क्षमता है, क्या बोल रहा हूं बेटा मैं, आकर्षण की क्षमता जो कि किनारों पर सर्वाधिक होती है, इस आकर्षण की क्षमता को ही बोलते हैं ध्रुव प्रबलता, और इसको किससे दर्शाया जाता है बेटा, स्मॉल एम से। अब जैसे बात करें हम लोग, ये स्मॉल एम आपके पास है, इसका मात्रक अभी याद रखेंगे एम्पियर गुना मीटर होता है। अभी इसी लेक्चर के एंड में मैं इसका मात्रक आपके पास प्रूफ कर दूंगा। तो ध्रुव प्रबलता का मतलब क्या है, चुंबकीय ध्रुवों के आकर्षण की जितनी क्षमता है वो क्या कहलाती है बेटा, ध्रुव प्रबलता, स्मॉल एम से दर्शाया जाएगा, और मात्रक क्या बनेगा, एम्पियर गुना मीटर। अब देखो बेटा ये तो हमने इस चैप्टर की थ्योरी कंसेप्ट को पढ़ लिया, इसके बाद अगर मैं इस चैप्टर के डेरिवेशन की बात करूं तो अगर आपने चैप्टर फर्स्ट स्टडी किया है तो वहां पर हमने कुछ कंसेप्ट पढ़े थे। जिस तरीके से चैप्टर फर्स्ट में डेरिवेशन की थी बेटा, ठीक इसी प्रकार से हमें यहां भी डेरिवेशन करनी है। जैसे बात करें आपके पास, हमने पार्ट एक और ये है बेटा पार्ट आठ। यहां पर कौन हुआ करता था बेटा, आवेश। आवेश की जगह क्या आएगा बेटा, क्यू। यहां पर आवेश का
सेम एज इट इज काम कौन करेगा बेटा? ध्रुव प्रबलता। तो यहां पे ध्रुव प्रबलता किससे दर्शाएंगे बेटा? एम से। ठीक है, यहां पर जो माध्यम की विद्युतशीलता थी वो एप्सिलॉन थी, निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट थी, और इनकी आपेक्षिक विद्युतशीलता थी एप्सिलॉन बटा एप्सिलॉन नॉट। इसी प्रकार से चुंबक के अंदर माध्यम की चुंबकशीलता होगी म्यू, निर्वात की होगी म्यू नॉट, तथा आपके पास आपेक्षिक चुंबकशीलता होगी बेटा म्यू बट्टे में म्यू नॉट। जब हमने कुलाम का नियम पढ़ा था तो वहां पे कांस्टेंट क्या आया था? के, और के का मान था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। जब हम लोग यहां पे कुलाम का नियम पढ़ेंगे तो यहां भी कांस्टेंट क्या आएगा, लेकिन उसका मान होगा म्यू नॉट बट्टे में क्या 4 पाई। वहां हमने कुलाम बल का मान क्या निकाला था? के, के का मान कितना रख सकते हैं? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन क्यू टू बट्टे में क्या आर स्क्वायर। यहां भी चुंबक के ध्रुवों के मध्य कुलाम बल ज्ञात करना है तो बताओ उसका सूत्र क्या बनेगा? एफ एज इट इज, यहां कांस्टेंट है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इस चैप्टर में कांस्टेंट कितना होगा? म्यू नॉट बट्टा 4 पाई। यहां जो काम आवेश करते हैं वो काम कौन करता है बेटा? ध्रुव प्रबलता। ये हो जाएगा m1 × m2, और दूरी तो समान रहेगी तो क्या लिखा जाएगा? आर स्क्वायर। यहां पर विद्युत क्षेत्र को ई से दर्शाते थे, यहां विद्युत क्षेत्र को बी से दर्शाएंगे। यहां विद्युत क्षेत्र की परिभाषा थी एफ बट्टे में क्या क्यू नोट, तो यहां चुंबकीय क्षेत्र की परिभाषा होगी एफ, और आवेश का काम करता है आपके पास ध्रुव प्रबलता, अर्थात कितना हो जाएगा? एम नोट। वहां हमने पढ़ा था बिंदु आवेश क्यू से आर दूरी पे यदि बिंदु पी है तो इस बिंदु पी का चुंबकीय क्षेत्र, सॉरी विद्युत क्षेत्र का मान था के क्यू बट्टा आर स्क्वायर, और अगर इस के को मैं ओपन कर लेता हूं ई बराबर के का मान होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। इसी प्रकार से यहां पे एक चुंबकीय ध्रुव होगा जिसकी ध्रुव प्रबलता एम होगी, और इससे आर दूरी पे हम बिंदु पी पर अगर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना चाहते हैं तो वो होगा बी बराबर, पहले कांस्टेंट है तो कांस्टेंट कितना है बेटा? म्यू नॉट बट्टे में 4 पाई, क्यू की जगह क्या आ जाएगा? एम बट्टे में क्या? आर स्क्वायर। उसके बाद हमने वहां क्या पढ़ा था बेटा आपके पास? विद्युत द्विध्रुव जिसको पी लिखते थे, और पी बराबर था क्यू गुणा में 2m। यहां पे होगा चुंबकीय द्विध्रुव जिसको कैपिटल एम लिखा जाएगा, और वो होगा क्यू की जगह क्या आ जाएगा? एम, और 2a की जगह हो जाएगा बेटा 2l जिसको अभी हमने पढ़ा प्रभावी लंबाई। फिर वहां पे हमने अक्ष के ऊपर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात किया था, सॉरी विद्युत क्षेत्र ई अक्ष, वो कितना था आपके पास? 2kp बट्टे में आर क्यूब आपके पास। यहां पे कितना होगा? वो होगा बेटा आपके पास अक्ष के ऊपर चुंबकीय क्षेत्र 2 एज इट इज, के यहां पे भी रहेगा, पी की जगह कौन आ जाएगा बेटा? एम बट्टे में क्या? आर क्यूब। इसी प्रकार से बेटा निरक्ष के ऊपर हमने ज्ञात किया था कितना आपके पास? ई निरक्ष बराबर था केपी बट्टा आर क्यूब। यहां पे चुंबकीय क्षेत्र पे निरक्ष का मान होगा आपके पास कितना? के एम बट्टे में आर क्यूब आपके पास। इसके अलावा हमने आपके पास विद्युत बलागुण निकाला था टाऊ, टाऊ बराबर था पीई साइन थीटा। यहां पर टाऊ बराबर आपके पास होगा बेटा एम बी साइन थीटा। इसके अलावा भी दो डेरिवेशन और हैं। तो एक चीज आपको समझ में आई कि जिसने चैप्टर फर्स्ट पढ़ा है उसके लिए चैप्टर बहुत इजी है, क्योंकि जैसा प्रोसेस हमने चैप्टर फर्स्ट में किया था सेम एज इट इज यहां करने वाले हैं, सूत्र वैसे ही बनने वाले हैं, डेरिवेशन करने का तरीका वही रहने वाला है आपके पास। तो एक बार इस छोटे से कंसेप्ट का स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। ले लिया स्क्रीनशॉट, मिटा दूं। अब आप सबसे पहले बेटा स्टार्ट करेंगे कुलाम के नियम से, देखते हैं कुलाम का नियम कैसे प्रूफ करते हैं हम लोग। फिर से
सबसे पहले है बेटा कूलाम का नियम चुंबकीय क्षेत्र में, कूलाम का नियम। इसके लिए क्या किया बेटा, दो चुंबकीय ध्रुव ले लिए, ये नॉर्थ है और ये क्या है साउथ, ये कोई अलग चुंबक है इधर और ये कोई दूसरी चुंबक है। इसका चुंबकीय ध्रुव प्रबलता है M1 और इसकी चुंबकीय ध्रुव प्रबलता कितनी है बेटा M2 और इनके मध्य की दूरी कितनी बेटा R। तो वहां पर हम क्या करते थे, नोटिस करते थे आप लोग, एक आवेश था Q1, दूसरा था Q2, मध्य की दूरी कितनी R। तो वहां पे सूत्र क्या दिया था कि जो बल लगेगा दोनों आवेशों के मध्य वो इन आवेशों के गुणनफल के क्या होगा बराबर। तो यहां पे क्या बोलोगे कि दो चुंबकीय ध्रुवों के मध्य जो बल लगेगा वो इनकी ध्रुव प्रबलता के गुणनफल के क्या होगा समानुपाति, अर्थात M1 गुना M2। यहां क्या लिखते थे, बल जो होगा वो दूरी के वर्ग के क्या होगा व्युत्क्रमानुपाती। तो यहां भी क्या लिखोगे, F व्युत्क्रमानुपाती होगा किसके, R स्क्वायर के। दोनों सूत्रों को मिलाओगे तो F समानुपाती हो जाएगा M1 M2 बट्टे में क्या R स्क्वायर। समानुपाती का साइन हटाएंगे बेटा, एक कांस्टेंट आएगा कितना K M1 M2 बट्टे में क्या R स्क्वायर आपके पास। अब ध्यान दे K का मान यहां क्या होता है म्यू नोट बट्टा चार पाई आपके पास, और K का मान जब यहां रखेंगे तो F बराबर कितना हो जाएगा म्यू नोट M1 M2 बट्टा चार पाई आर स्क्वायर। ये है आपके पास कूलाम का नियम चुंबकीय क्षेत्र के अंदर। अब जो याद रखना आपको कि ऐसे ही सिस्टम में तो के का मान होता है म्यू नोट बट्टा चार पाई और जिसका सॉल्यूशन होता है 10^-7, जबकि अगर सीजीएस सिस्टम की बात करोगे तो वहां पर इस कांस्टेंट के का मान कितना रखना पड़ेगा के, और सीजीएस में जो बल लगता है वो हो जाता है एम वन एम टू बट्टे में क्या आर स्क्वायर। तो ये कूलाम का नियम है किसके अंदर बेटा, चुंबकीय क्षेत्र में। अब इस कूलाम के नियम की परिभाषा क्या देंगे, तो परिभाषा देखो कि दो ध्रुवों कितने बेटा, दो ध्रुव चुंबकीय ध्रुव के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल। भाई अगर समान ध्रुव होंगे तो प्रतिकर्षित करेंगे और असमान ध्रुव होंगे तो क्या करेंगे आकर्षित। तो दो ध्रुवों के मध्य लगने वाला आकर्षण व प्रतिकर्षण बल जो होगा वो उनकी ध्रुव प्रबलता के क्या होगा समानुपाती, वह दूरी के वर्ग के क्या होगा व्युत्क्रमानुपाती, और यही क्या कहलाता है बेटा कूलाम का नियम किसके अंदर, चुंबकीय क्षेत्र के अंदर। तो एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। रफ कर दे बेटा इसको। अगला जो टॉपिक है आपके पास वो है चुंबकीय बल रेखाओं की गुणधर्म। जिस प्रकार से हमने चैप्टर फर्स्ट के अंदर जो विद्युत बल रेखाएं हैं उनके गुणधर्म पढ़े थे, उनकी प्रॉपर्टी को स्टडी किया था, सेम एंटिटी यहां पे है। तो उसकी थ्योरी मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, बाकी लिखने का काम आप नोट से कर लेना। ध्यान दे बेटा, हम लोग पढ़ रहे हैं चुंबकीय बल रेखाओं के गुणधर्म। पहली बात तो ये, आप चुंबकीय बल रेखाओं को देख नहीं सकते, केवल उनको अनुभव किया जा सकता है। तो हम बोलेंगे चुंबकीय बल रेखाएं कैसी होती है बेटा, काल्पनिक। तो पहला गुणधर्म तो यही है कि ये कैसी होगी बेटा, काल्पनिक होगी आपके पास। अब जैसे आपने एक चुंबक देखी है तो ये एक छड़ चुंबक है, ये उत्तरी ध्रुव और ये इसका क्या है दक्षिणी ध्रुव। ये सबको पता है कि चुंबक के उत्तरी ध्रुव से बल रेखाएं निकलती है और दक्षिणी ध्रुव में अंदर की तरफ जाती है। तो ये बल रेखा इस प्रकार से निकलेगी आपकी, इसी प्रकार से ये उत्तरी ध्रुव से निकलेगी और दक्षिणी ध्रुव में कहां जाएगी बेटा, अंदर आपके पास। इस तरीके से ये उत्तरी ध्रुव से निकलेगी और दक्षिणी ध्रुव में कहां आएगी बेटा, अंदर। ये इस तरीके से हो गई, ये इस तरह से निकल रही है और इस प्रकार से आपके पास चुंबकीय बल रेखाएं बनती है। ध्यान देना यहां पे, अगर मुझे किसी भी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा चाहिए, मान लीजिए मैंने बोला कि यह बिंदु है कितना ए आपके पास, मार्कर को पता नहीं क्या हो जाता है, ये बिंदु क्या है बेटा ए।
बिंदु ए पर बोला जाए कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताओ, तो आपको क्या करना है बेटा, इस बिंदु ए पर एक स्पर्श रेखा खींचेंगे। क्या खींचेंगे? एक स्पर्श रेखा, और वो स्पर्श रेखा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएगा। बी का मतलब चुंबकीय क्षेत्र कौन से बिंदु पर? ए पर। मान लेते हैं यहाँ पे कोई बिंदु क्या है, पी, और मैं से पूछा जाए बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताओ, तो यहाँ पे एक स्पर्श रेखा खींच लेना और यह बन जाएगी पी बिंदु के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। इसका मतलब एक बिंदु पर आप एक ही दिशा बता सकते हो। तो हमने बोल दिया एक बिंदु पर, एक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की एक ही दिशा होती है, एक ही दिशा होती है। अब तीसरी प्रॉपर्टी है, दो चुंबकीय बल रेखाएं, मान लेते हैं ये एक चुंबकीय बल रेखा है और ये एक दूसरी चुंबकीय बल रेखा है, तो दो चुंबकीय बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती। जैसे मैंने यहां पे प्रतिच्छेदित करा रखा है, तो ये प्रतिच्छेदित नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी, इसका कारण समझो, क्योंकि अगर दो बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती है तो ये जो प्रतिच्छेदन बिंदु होगा, इस प्रतिच्छेदन बिंदु पर आप दो स्पर्श रेखा बना सकते हो। सर एक स्पर्श रेखा इधर बना देंगे हम लोग और एक स्पर्श रेखा इधर, और आपको पता है कि किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती है, और एक बिंदु पर एक ही दिशा संभव होती है, तो इस बिंदु पर अगर मैं दो स्पर्श रेखा खींच सकता हूं तो कितनी दिशाएं बताई जा सकती है? दो, जो कि ऐसा होना संभव नहीं है। इसी कारण से दो चुंबकीय बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती। चौथा जो गुण है, चुंबकीय बल रेखाएं उत्तरी ध्रुव से निकलती है और दक्षिणी ध्रुव में क्या करती है बेटा, गमन करती है। तो जब चुंबकीय बल रेखाएं उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव में जाती है, ठीक है, आपके पास ये दिशा, तो क्या बताओगे, जब आप चुंबक के बाहर हो, चुंबक के क्या हो, बाहर स्थित हो, तब तो उत्तर से निकलती हुई प्रतीत होगी और दक्षिण में जाती हुई प्रतीत होगी। परंतु चुंबक के अंदर इसकी दिशा कहां से कहां होती है, दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव, तो बाहर तो कहां होगी बेटा, जब बाहर की बात करोगे तो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव, बट चुंबक के अंदर अगर दिशा की बात कर रहे हो तो दिशा कहां होती है बेटा, दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती है आपके पास। एक और तथ्य कि ये जो ध्रुव होते हैं, जैसे ये उत्तरी ध्रुव है, यहां पे चुंबकीय बल रेखाएं पास पास होती है। देखो ये दक्षिणी ध्रुव है, यहां पे ये चुंबकीय बल रेखाएं समीप है, इकट्ठी है एक जगह पे, जैसे जैसे बाहर जाएगी ये फैलती जाती है, तो जहां चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे के समीप रहती है वहां चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा बेटा, ज्यादा। अर्थात हम बोल सकते हैं ध्रुवों पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है बेटा, अधिक होता है, क्योंकि यहां पे चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती है, पास पास, जबकि जब आप दूर जाते हो तो आपसे चुंबकीय बल रेखाएं दूर हटेगी, तो यहां पर चुंबकीय क्षेत्र के मान में क्या आती है बेटा, कमी आती है। तो हमने कुछ पॉइंट पढ़े, पहला पॉइंट क्या पढ़ा, चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती है, काल्पनिक। दूसरा, किसी भी बिंदु पर अगर हमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी है तो वहां पे क्या बनानी पड़ेगी बेटा, स्पर्श रेखा। तीसरा पॉइंट क्या है कि किसी बिंदु पर दो बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं कर सकती। चौथा पॉइंट क्या है कि चुंबक के बाहर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कहां से कहां होती है बेटा, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव, जबकि चुंबक के अंदर कहां होगी बेटा, दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव। ध्रुवों पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, प्रबल, क्योंकि यहां पे चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती है बेटा, आपके पास समीप होती है। एक और बात, यदि चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे के समांतर हो, तो देखो ये बल रेखाएं एक दूसरे के क्या है, समांतर, तो इस प्रकार बनने वाला चुंबकीय क्षेत्र एक समान चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। और इसके जो नोट्स है बेटा वो पीडीएफ में ऑलरेडी गिवन है, तो वहां से आप इस थ्योरी को राइट डाउन कर सकते हैं। थैंक यू।